guys, welcome back to my channel. Today we will be making baigan ka bharta, which is very low in calorie plus very less oil is used in this. If you like my video, do subscribe to my channel. You can follow me on Instagram and you can join my Facebook group. Links for the both will be given in the description box. नॉनस्टिक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई के अंदर हम डाल देंगे आधा टेबलस्पून ऑयल. ऑयल के साथ हम डाल देंगे हाफ कप स्लाइस हुई भी प्याज. प्याज को हम इतना स्टर फ्राई करेंगे कि वो ट्रांसलूसेंट हो जाए या ट्रांसपेरेंट हो जाए. प्याज को फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे दो कप कटी हुई बैगन. बैगन को हम तेज़ आंच पर एक मिनट तक पकाएंगे. अब हम बैगन के अंदर थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधा कप पानी डालकर इसको ढककर हल्की आंच पर पकाने रख देंगे. इतना पकाएंगे कि बैगन गल जाए. 10 से 15 मिनट बाद बैगन को ढककर पकाने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे आधा कप कटा हुआ टमाटर और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे. टमाटर को भूनने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा जीरा और हसब ज़रूरत नमक. सारे मसालों को डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह तेज़ आंच पर खूब भूनेंगे. इतना भूनेंगे कि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए. अच्छी तरह भूनने के बाद आखिर में हम इसके अंदर डाल देंगे दो अदद हरी मिर्चें. हरी मिर्चों के साथ उसको तकरीबन एक मिनट तक पकाएं और फिर उसके बाद डिश आउट कर लें. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स.